नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के सराहन कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आप लोगों के सामने आदिल नाम के लड़के की एक ऐसी अजीब और गरीब भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो अभी से बस कुछ ही दिन पहले उसके साथ घटी। सोचा कि ये घटना आप लोगों के सामने सुनाकर आप लोगों को सतर्क कर दें, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, किसी के साथ कभी भी घट सकती है। सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सावधान कब रह पाएंगे जब आपको पूरी तरह से जानकारी होगी। चलिए बढ़ते हैं, ये घटना किसके साथ कब कहां कैसे घटी आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो आदिल है, ये और इसकी फैमिली सब लोग लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी जिंदगी सब कुछ बहुत अच्छी खासी कट रही थी। इसकी जो डैड है वो एक बिजनेसमैन है, उनका कुछ बिजनेस है किसी चीज का, तो इनकी जिंदगी अच्छी खासी कट रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन लगता है, जब पैंडेमिक का टाइम आता है, पूरी दुनिया में सब लोग परेशान जाते हैं, उस टाइम पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने महाराष्ट्र में कोई दादी का गांव था वहां पे हम दादी के पास शिफ्ट हो जाए सब लोग, और जो अपना बिजनेस है हम लोग अपने गांव में शिफ्ट कर ले तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शहर में ज्यादातर बीमारियां हो रही थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों के साथ। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगता है उस टाइम पे ये लोग अपने गांव में शिफ्ट कर जाते हैं और वहां पर भी इनका बिजनेस चालू कर देते हैं। और लकली इनका बिजनेस सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन 12 जनवरी 2022 को उसकी जो डैड है ना, उनका एक वर्कर था जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, और उसके फैमिली में उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो उसको उस दिन पैसे चाहिए थे, कैसे भी पैसे चाहिए थे। और इसके डैड के पास उस टाइम पे जितने पैसे उसको चाहिए वर्कर को, उतना कैश पड़ा हुआ नहीं था, और उस वर्कर के पास ना ही फ़ोनपे था, ना ही गूगल पे था, कुछ भी नहीं था कि जिससे वो लोग ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और जो वर्कर भी था वो भी उनके ही गांव के आसपास का रहने वाला था, उनके पहचान का था। तो सोचते हैं क्या करें यार, क्या करें, मतलब इसको पैसे देना तो बहुत ज़रूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके आदिल के डैड बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, तुम शहर जाओ, शहर से ATM से पैसे निकाल के लाओ, इसके बाद इसको अपन दे देंगे तो इसका भी काम हो जाएगा। बेचारा गरीब आदमी है, इतनी प्रॉब्लम है, इसकी भी तबीयत खराब है, इसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, उसको भी हॉस्पिटल लेके जाना है, तो सारी तकलीफ में है ये, और तुम बाइक से जाओगे तो आराम से लेके आ ही जाओगे, इतना भी टाइम लेगा, शहर उनके गांव से बहुत दूर नहीं था, यही 5-6 किलोमीटर इतना दूर होगा। तो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। यही रात के 9 बजे की बात थी ये, और इमरजेंसी में पैसे चाहिए ही थे कैसे भी। तो रात के 9 बजे अपनी बाइक लेके अपने गांव से ये निकल जाता है ATM जाने के लिए। शहर में ATM था, गांव में ATM नहीं था उसके, तो अपने शहर में जाता है, ATM से पैसे वैसे निकालता है, उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने लगता है, शहर में थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने लगता है। करते करते उसको वहाँ से निकलते निकलते 11:30-12 बज जाते हैं। उसके बाद सोचता है वो वर्कर भी तो गांव का ही है हमारे, तो उसको ले जाकर मैं उसे घर पे खुद दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी लेट नहीं हो रहा है, और जाएगा भी हॉस्पिटल तो सुबह सुबह जाएगा, इतने रात में जाएगा नहीं कहीं। तो वो वापस ऐसा ही करता है, वहां से बाइक लेके अपने गांव आने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब अपने गांव आने के लिए निकलता है, उस टाइम पे सब कुछ उसके साथ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, वो कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते सुनते बाइक चलाते चलाते आराम से आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसके गांव में एंटर करने से पहले, इनके गांव में एंटर करने से पहले एक तालाब पड़ता है, जो तालाब कम से 50-60 साल पुराना होगा, इतना पुराना तालाब है। और उस तालाब के बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते हैं, लोग बोलते हैं कि वो तालाब नॉर्मल नहीं है, कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। उनके गांव में उल्टा, उनके गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पे ये फेमस था कि जो तालाब है वहां पे साल में कम से कम 2-3 लोगों की मृत्यु तो हो ही जाती है, और लोग उसमें खुद की खुशी करने के लिए ही जाते हैं, खुद कूदने ही जाते हैं वहां पे। उस तालाब के अंदर पता नहीं क्या ऐसी एनर्जी है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और लोग उसमें जाके खुद से कूद जाते हैं और खुद को खत्म कर लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भूतिया तालाब था, उसके बारे में इसको आदिल को भी पहले से ही पता था, लेकिन वो सोचता है कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि उसका गांव जिधर एंटर करना था, जिधर उसको गांव में जाना था, वो गांव में जाने से पहले उसको तालाब पड़ता ही था, और आने के टाइम पे उसको तालाब पड़ता ही था, मतलब उसको तालाब की तरफ से ही उसको जाना था, और कोई रास्ता था ही नहीं उसे गाँव में जाने के लिए। तो अभी बाइक से आ ही रहा था, थोड़ी दूर था, सोचता है तालाब आने वाला है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और रात का टाइम हो रहा है, और सब लोग बोलते हैं कि तालाब भूतिया तालाब है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मतलब वो सोच रहा था कि मैं खुद को डरने नहीं दूंगा, मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करूंगा, नहीं होगी गड़बड़, ऊपर वाले का नाम लूंगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसे ही हेडफोन लगा के गाना सुनने लगता है, और फोकस गाना करने लगता है कि मैं कैसे कैसे निकल जाऊँ, अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचता है, उसे तालाब के दूसरे साइड में जहाँ पे तालाब का पानी था वहाँ पे एक 6 साल का छोटा सा लड़का दिखाई देता है।
छह साल का छोटा सा लड़का जो बहुत ही ज्यादा सफेद दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा सफेद, मतलब इतना सफेद कोई इंसान ना दिखाई दे इतना सफेद दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जो थी पूरी तरह से ब्लैक दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से ब्लैक। वो समझ नहीं पाता कि किसी इंसान की आंख पूरी ब्लैक कैसे दिखाई दे सकती है। और जो उसने कपड़े पहना था व्हाइट कलर कपड़े पहना था, वो सोच ही रहा है, बच्चे को देख ही रहा है, और वो बच्चा भी उसको नॉनस्टॉप ऐसे ही घूर घूर के देख रहा है, ऐसे ही देख रहा है देख रहा है। वो सोच रहा है कि ये कैसा अजीब सा बच्चा है, मुझे क्यों घूर रहा है, चलो मैं तो उसको ऐसे देख रहा हूँ कि वो, मतलब वो मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन वो बहुत घूर घूर देख रहा है। अभी वो सोच ही रहा था तभी अचानक से उसे दूसरे साइड में, तालाब के दूसरे साइड में एक औरत दिखाई देती है। उसने व्हाइट कलर की साड़ी पहन के रखी थी, औरत दिखाई देती है, और वो औरत झटके में भागते हुए एकदम स्पीड में, ऐसा लगता है हवा में उड़ के आई है, भागते हुए बच्चे के पास आती है और बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है, और गोद में उठा के दोनों वापस से इसको घूर घूर के देखना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा डर गया था, इसकी जो बाइक थी ना वहीं पे वो रोक दिया था उसको, क्योंकि डर इतना लग रहा था, उसको लग रहा था मैं बाइक अगर चलाऊंगा तो शायद मैं गिर भी सकता हूँ बाइक से, इतना ज्यादा डर गया, उसको धक बढ़ गई थी, सोच रहा था कि ये नॉर्मल लोग नहीं हो सकते। और जो औरत की शक्ल दिखाई दे रही थी वो भी एकदम सफेद, जैसे चूना होता है ना एकदम व्हाइट चूना, उतना सफेद उसका मुंह दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें भी एकदम ब्लैक दिखाई दे रही है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि ऊपर वाले का नाम लेता हूँ और कैसे भी बाइक स्टार्ट करता हूँ और बिना पीछे मुड़े बिना देखे यहाँ से भागना स्टार्ट करता हूँ। वो ऐसे ही करता है, वापस से बाइक स्टार्ट करना चालू करता है, बाइक स्टार्ट करना चालू करता है, लेकिन उसका बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बंद तो अपने मन से किया था उसने लेकिन चालू नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, इतना डर जाता है, सोचते हैं मैं क्या करूँ क्या करूँ। ऊपर वाले का बहुत नाम लेता है, बहुत चालू करने की कोशिश करता है, बहुत चालू करने की कोशिश करता है, नहीं चालू हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा था। तभी उसे अचानक से थोड़ी ही दूर पे, यही 20-30 मीटर दूर पे एक उसे आदमी दिखाई देता है, खड़ा हुआ बुढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद हो सकता है वो आदमी जो दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल इंसान होगा, मैं उससे मदद मांग सकता हूँ। वो अपनी बाइक वैसे गिराते हुए, गिराते पड़ते वहाँ पे भागते हुए उस आदमी के पास जाता है, बोलता है अंकल अंकल प्लीज मुझे बचा लो, वहाँ पे जो दो लोग दिखाई दे रहे वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो अजीबोगरीब टाइप दिखाई दे रहे हैं, मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगे ऐसे देख रहे हैं। तो वो जो बूढ़े आदमी थे बोलते हैं कि मतलब कौन सी प्रॉब्लम, कौन से आदमी, चलो मुझे दिखाओ। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, वो बहुत ही अजीब से दिख रहा है, कैसे कैसे बच के वहाँ से आया हूँ। वो जो बूढ़े आदमी थे इसको शांत करते हैं और बोलते हैं बेटा देखो शांत हो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पर विश्वास करो, मैं हूँ तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरे साथ चलो। वो बोलता है ठीक है, उनके पीछे पीछे वो तालाब के पास जाता है। लेकिन जब जैसे ही तालाब के पास पहुँचता है देखता है वहाँ पे वो दोनों थे ही नहीं, वहां से गायब हो चुके थे। अच्छा? अभी थोड़ी दूर पे गया था उस आदमी के पास और वहीं से देख रहा है तो वो लोग है ही नहीं, आके देख रहा था पूरी तरह से गायब, ना लड़का है ना वो औरत है, गायब हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते, बोलते हैं और दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं, भाग के दूर तो दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहे थे, पूरा सुनसान और पूरा खुला रास्ता है ना पूरा। अगर कोई भाग भी रहा है तो पूरा खुला मैदान तो दिखाई नहीं देगा, वो खुला रोड दिखाई देगा ही। या तो वो तालाब में कोई कूद गया तो फिर उसके बाद तालाब की पानी भी तो हिलता है कम से कम, तालाब का कोई कूदा है तालाब में और तो। वो तुरंत आया हुआ है, वो तुरंत आया ना वो बूढ़े आदमी को लेके। तो वो बूढ़े आदमी से बोलता है कि अंकल यहीं पे थे, आप मेरी यकीन मानो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, यहीं पे थे वो लोग और बहुत ही अजीब गरीब दिखाई दे रहे थे। वो अंकल जो थे वो बोलते हैं बेटा मुझे पता है, मुझे पता है वो नॉर्मल इंसान नहीं थे, और ऐसे ही रात में वो लोगों को अपने वश में करते हैं, उनके दिमाग को अपने वश में करते हैं, जिसकी वजह से इंसान इस तालाब में कूदता है। इसीलिए इस गांव में इतने साल से ये कांड होता आ रहा है, कितने सालों से लोग इस तालाब में इसीलिए कूदते हैं क्योंकि ये लोग अपने वश में करते हैं। ये एक छोटे से बच्चे और उस औरत की आत्मा है जो मैंने भी उसे बहुत बार काफ़ी बार देखा है। तो वो बोलता है कि आप डरते नहीं हो उससे, तो वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं इन सब वो माया से बहुत दूर हूँ। वो समझ नहीं पाता है, सोचता है कि ये बूढ़े आदमी को डर क्यों नहीं लग रहा है, मतलब अगर शैतानी शक्ति कोई भूत है डर क्यों नहीं रहा है। तो बोलता है कि मैं क्या करूँ अंकल, मैं मुझे घर जा रहा है, वो डर लग रहा है। वो बोलते हैं कि बेटा एक काम करो अपना बाइक स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा। बोल रहा है मेरा खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। बोलते स्टार्ट करो मेरे सामने, स्टार्ट करो स्टार्ट हो जाएगा। वो बाइक स्टार्ट करता है तो एक ही बार में उसकी बाइक स्टार्ट हो जाता है, एक ही बार में।
वहां से बाइक स्टार्ट होता है और वो अंकल को थैंक यू बोलता है, वहां से निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि घर पे आता है और अपनी दादी से सारी चीजें बता देता है कि दादी मतलब ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हो गई और यहाँ पे तालाब में मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। तो दादी बोलती है कि क्या बात कर रहा है, वो तो अल्लाह का शुक्र है जो तू बच गया, नहीं तो बच नहीं पाता, प्रॉब्लम हो जाती बहुत ज़्यादा। वो तालाब के पास रात में जो कोई भी उन दो आत्माओं को देखता है वो बचता नहीं है, बहुत लोगों की जान उन लोगों की वजह से ही गई है। तो वो बोलता है कि वो जो आदमी दिखाई दे रहा था अजीबोगरीब टाइप का और बोल रहा था कि मैं इन लोगों से नहीं डरता, कुछ अजीबोगरीब टाइप का बुढ़ा आदमी था। दादी पूछती है कि कैसा कैसा हुलिया बता, कैसा हुलिया था। वो जो हुलिया बताता है ना, तो दादी शॉक्ड हो जाती हैं। दादी बोलती हैं कि वो तुम्हारे परदादा थे जो तुमको बचाने के लिए आए थे। बोलते हैं ना कि फैमिली की एक पॉजिटिव स्पिरिट होती है जो प्रोटेक्ट करती है फैमिली के लोगों को। तो दादी बोलती है वो तुम्हारे परदादा से गार्जियन एंजल, हाँ, जो तुमको बचाने के लिए आए थे। अगर वो नहीं आए होते तो तुम वहां से बच के नहीं निकल पाते। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है जो तुम यहाँ पे बच गए। बहुत डरा हुआ था आदिल, उसकी जो रात थी वो पूरी काली रात थी, वो निकल नहीं पाती है। वो अपने डैड को पैसे देते, बोलता आप ही देख के आओ, तो वर्कर घर पे उस डैड ही देने चले आते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसको फीवर भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। धीरे धीरे करके उसको ये सारी चीज़ें भुलाने में बहुत टाइम लगता, अभी भी वो ढंग से भुला नहीं पाए सारी चीज़ें। कोई भी ना भुला पाए, सोचो मतलब किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए। अभी की बात है ना, अभी अभी की बात है, कुछ दिन पहले की, 12 तारीख को, यही जनवरी की बात है। बापरे, मतलब मेरे को क्या लगता है पता है क्या, वो तालाब हॉन्टेड है, वो पूरा का पूरा तालाब ही भूतिया है। और वो जो आत्माएं दिखाई देती है लोगों को, किसी को भी दिखाई दी होगी, वो अलग अलग रूप में दिखाई देती होगी। हाँ। इसको बच्ची और ऐसे औरत में दिखाई दी, किसी को बूढ़े में दिखाई देती होगी, किसी को बच्चे में, किसी को जवान में, ऐसे अलग अलग दिखती होगी। हाँ। ताकि वो लोगों को छल सके उनके नेचर के हिसाब से, क्योंकि ऐसी शक्तियां ना हमारे दिमाग के साथ खेलती, दिमाग के साथ बहुत गंदा खेलती, इतना गंदा खेलती है कि आप अपने होश में नहीं रहोगे, इल्यूशन क्रिएट करवाएगी। जो वो चाहेंगी वही आपको दिखाई देगा, वही आपको सुनाई देगा। इसे किस्मत बहुत अच्छी थी, इसके एंजल गार्जियन जो कि परदादा की आत्मा थी वो इनके साथ थी और आखिरकार इसे सब कुछ परेशानी होने से इन्होंने बचा ही दिया। तो एक थी भूतिया तालाब की कहानी। दरअसल आप लोगों ने भी अपने बचपन में सुना होगा कि रात के समय में ज्यादा तालाब या नदी के पास मत जाना, लोग मना करते हैं गाँव गाँव में। ऐसे ही सब कारण होते हैं भाई, कुएं, तालाब, नदियों में बहुत सारे कांड हुए रहते हैं जो बहुत पुराने पुराने रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।